ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च, इसलिए बी सही होगा। यह दिन लोगों को पृथ्वी के वायुमंडल की रक्षा करने में उसकी भूमिका के बारे में जागरूक होने भी मदद करता है। यह दिन दुनिया भर में पृथ्वी की कई चिंताओं के बारे में जागरूक बढ़ाकर आयोजित किया जाता है। दूसरा कह रहा है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स दुलस्टिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक्सरसाइज दुलस्टिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगियारिक उज्बेकिस्तान में शुरू किया जाएगा। यह यांगियारिक जो है उज्बेकिस्तान में है। दुलस्टिक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में है आयोजित किया गया था। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट द्वारा किया जाएगा और वह उत्तर पश्चिम सैन्य जिला में सैनिकों द्वारा प्रतिनिधित्व उज्बेकिस्तान सेना दल में शामिल होगा। किस राज्य के नरसिंह पेटई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। नरसिंह पेटई नागस्वरम को कक्षा 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। आजकल कलाकारों द्वारा जिस नाग स्वर्म का उपयोग किया जा रहा है उसका नाम परी नाग स्वर्म है और वह थिमिर से भी लंबा है। वह वाद्य यंत्र का वह शरीर है जो आकार में बेलनाकार होता है और उस सबसे नीचे एक घंटी का आकार होता है। यह आकृति में आपको दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहे आई क्यू एयर 2021 विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे दूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के बाद ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, एन जमेना चाड, दुशानबे ताजिकिस्तान और मस्कट ओमान क्रमशः शीर्ष 5 सबसे दूषित राजधानी शहर रहे हैं। स्विस संगठन आईकी एयर द्वारा 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट PM2.5 के लिए अद्यतन वार्षिक WHO वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश पर आधारित पहली प्रमुख वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। नई दिल्ली में PM2.5 की सांद्रता 2021 में 14.6% से बढ़कर 96.4 हो गई है जबकि 2020 में 84 थी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, किसने फ्रीलांस इंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया पर अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, फोन पे। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे ने पुणे स्थित स्वतंत्र सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है। फोन पे अपने ग्राहक आधार और वितरण चैनल के विस्तार में निगमों और व्यवसायों की सहायता के लिए गिग इंडिया के फ्रीलांसिंग सूक्ष्म उद्योगियों के नेटवर्क का उपयोग करेगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन करें, 22 मार्च को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार को 22 मार्च की स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। बिहार दिवस हर साल बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस पर हर साल बिहार में सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडे होता है। 1912 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत से अलग करके बिहार को नई पहचान दी थी और 2022 में बिहार अपने गठन के 110 साल को पूरा कर रहा है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन कह रहे, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुवैत। कुवैत जो है सबसे गर्म स्थान रहा है। कुवैत 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म स्थान पर पहुंच गया, जिससे वह पृथ्वी का सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया है। कुवैत में पिछली गर्मियों में इतनी गर्मी थी कि सभी गर्मी थी कि पक्षी आसमान में ही मर गए। जैसे ही राजमार्गों पर डमार पिघलता है, कुवैती मॉल में बोन चिलिंग एयर कंडीशनिंग के लिए बंडल करते हैं। अक्षय ऊर्जा की मांग 1% से भी कम है, जो कुवैत के 2023 तक 15% के लक्ष्य से बहुत कम है। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं, मार्च 2022 में निवेश के अवसर तलाशने के लिए कहां पर गल्फ निवेश समिट का आयोजन किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी है। हाल ही में हांगकांग, संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब की 33 कंपनियों का प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए बढ़ती स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर पहुँचे। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशों के अवसर की खोज पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों ने गल्फ बिजनेस समिट में भाग लिया। पहली बार सऊदी अरब के एक निवेशक ने जम्मू कश्मीर में व्यापार के अवसर में रुचि दिखाई है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन कह रहे हैं, साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान अश्नी का नामकरण किसने किया है? याद रखिएगा अश्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका ने किया है। बंगाल की खाड़ी पर बन रहे चक्रवात का नाम अशानी रखा गया है। इस चक्रवात के कारण भारत के पूर्वी तट वर्षा हो सकती है। इस चक्रवात का नाम श्रीलंका द्वारा रखा गया है। सिहली भाषा में अशानी का अर्थ क्रोध होता है। समुद्र की सतह की आर्द्रता साथ ही तापमान चक्रवातों के विकास संबंधित है, इसलिए बंगाल की खाड़ी चक्रवात के निर्माण के लिए एक अच्छे स्थान के रूप में कार्य करती है, क्योंकि इस क्षेत्र में धीमी हवाओं के साथ अधिक वर्षा होती है, जो तापमान को उचित रूप में गर्म रखती है। दसवां क्वेश्चन करें, भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आशीष झा को। वे एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ है और ब्राउन यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। उन्होंने इबोला वायरस पर काम किया है और 2014 में पश्चिम अफ्रीका में इस बीमारी के प्रकोप से निपटने के लिए एक पैनल के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के चिकित्सक आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय नियुक्त किया गया है, जो जेफ जेंट्स की जगह लेंगे। अब रिवीजन क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद अगला क्वेश्चन करें, स्पोर्ट्स स्टार्स एसएस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा ने जीता है। उसके बाद कर रहे हैं, लमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
सेसेल्स, तो राइट आंसर हो जाएगा बी सेसेल्स। उसके बाद कह रहे बीपीएल परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में है। उसके बाद कह रहे विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो 22 मार्च को मनाया गया। उसके बाद है डोल उत्सव या डोल यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया गया। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड दी ओटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा तेहमटन एराज उड़वाडिया। उसके बाद कह रहे हैं किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह हो जाएगा जयंती घोष। उसके बाद है प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रांसिस कैरी। उसके बाद है 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी पंकज अडवाणी। थैंक यू।